घर दूसरा लिया है ना? जाहिर है, तेरे हर ट्रिप पे जगह तो नहीं लेनी पड़ती है ना। बाजी काम का ही तो पता करने आई हूँ, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही। माल कितने का गया? देवर और नकदी मिलाकर 10 लाख। 10 लाख? आप लोग भी तो सबको जमा करके घर में ही रख लेते। मुझे याद है कि ये एक बैनु सूबाई ग्रोह था जिसमें दूसरे शहरों की खवातीन और मर्द शामिल थे। जवाब सब अब तक नहीं है? लाहौर वाला हुआ था। जवाब साहब के नाम पर लाहौर पड़ रहे हो ना, आने दो जरा। मैंने आपकी अकल पे लाहौर पड़ी। क्यों, मैंने ऐसे क्या कह दिया जनाब? क्या आपके सामने बैठा जाओ जमाल नजर नहीं आ रहा जो जवाब साहब का पूछ रहे हो? जाओ जमाल नहीं होता, जाओ जलाल होता, समझे? लेकिन इस वक्त तो तुम्हारे सामने जमाल ही बैठा है ना, और जवाब साहब एसपी साहब से मिलकर आएंगे बताकर गए। कोई खास बात यार? कोई नई फटीक ना पड़ जाए, आजकल बड़ी सुकून से गुजर रहे। बहुत ही काम चोर होता। वाह भाई वाह, बहुत सुकून से हैं आप लोग। क्यों, आपको कोई परेशानी है? पहले ये बताइए आप थे कहाँ? जवाद साहब के साथ था। आ गए जवाद साहब? जी हाँ आ गए, और आपको बुला रहे हैं। मुझे? जी नहीं, आप दोनों को। सर बैठे। सर आप एसपी ऑफिस बोल रहे हैं? हाँ, एसपी साहब ने बुलाया। सर खैरियत तो है ना? घबराओ नहीं, खैरियत ही है। अल्लाह तेरा शुक्र है, सर ठीक है सब। सर क्या कह रहे थे? बहुत खुश थे कि गुज़श्ता महीने हमारी हदूद में जराइम कम हुए। सर हम काम भी तो करते हैं। मुझे पता है आप कितना काम करते हैं। फरा जी सर, गुज़श्ता महीने की रिपोर्ट तैयार करो, मुझे एसपी साहब को दे। सर सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, सिर्फ प्रिंट निकाल के दे देती हूँ। गुड, चले अच्छा है, अपने रूटीन के कामों में अब खलल पैदा नहीं होगा। अच्छा, वैसे बाय द वे आपके रूटीन के काम क्या हैं? सर ठेले वाले से फ्रूट लेना, केबिन वाले से पान और सिगरेट लेना, चाय वाले से चाय पीना। सर अब ऐसी बात नहीं है, चाय तो मैं आपको ही पिलाता हूँ जब आप मना नहीं करते। फ्री में नहीं, पैसे देकर पीता हूँ। वो भी मैं ही देता हूँ पैसे। बोल पठानी, इस दफा आने में तूने बड़ा टाइम लगा दिया। दो ही दिन तो लेट किए हैं यार। दो दिन? दो दिन का मतलब समझती हो तुम? दो दिन में दो काम हो जाते हैं। अब आ गई हूँ ना, जितना काम कराना है करा लेना, अरे कोई भलाई होगी। ठीक कहती हो तुम, बैठे आप लोग। ये सुनाओ सफर कैसा गुजरा? थकान तो महसूस नहीं हुई तुझे ना? अरे आप भी कमाल करते हैं भट्ट साहब, अब जहाज के 1.5 घंटे के सफर में कोई थकान होती है क्या? सफर तो सफर होता है, थोड़ा हो या ज्यादा। और हम फिर भी 1200 किलोमीटर सफर करके हैं। वैसे घर दूसरा लिया है ना? जाहिर है, तेरे हर ट्रिप पे जगह तो नहीं लेनी पड़ती है ना, अब मोहल्ले वालों से तेरी पहचान तो नहीं ना करानी। चलो अच्छा ये बताओ आप काम पर कब से जाना है? तुझे बड़ी जल्दी है काम की। ठीक ही तो कहती है, काम करने वाले फारिग नहीं बैठा करते। वैसे काम तो ज्यादा है इस बार, हो सकता है हमें हफ्ता ज्यादा लगाना पड़े। भाई काम तो पक्का है ना? खाली पक्का, तकड़ा वाला काम है इस दफा तो। लगता है को ढूंढ लिया इसने। बड़ी मेहनत की है इस दफा हमने तेरे पीछे। अरे भट्ट साहब क्यों दिल छोटा करते हैं, अभी आ गई है ना, सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। कोई मसला तो नहीं हुआ ना? तौबा कर, तुझे पता है कि भट्ट कभी पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। देखी बार बार दरवाजा खटका रही हो। बाजी मैं बहुत मजबूर, कहीं काम काज करो, हट्टी कट्टी हो। बाजी काम का ही तो पता करने आई हूँ, मैं आपसे भीख नहीं मांग रही, कोई काम है तो बता दूँ। पहले कभी काम किया?
जी, जिंदगी भर दूसरों का ही काम करके गुजारा किया है। ये कौन है तुम्हारी? जी ये मेरी छोटी बहन है, मैं इसको अपने साथ रखती हूँ। आज के जमाने में जवान लड़की कहाँ अकेली छोड़ सकती है, इस तरह काम भी जल्दी हो जाता है। शनाख्ती कार्ड वगैरह है तुम्हारे पास? जी जी है। आप ऐसा कीजिए, आज काम करवा के देख लीजिए, उसके बाद फिर कल से नौकरी पे रख लीजिएगा। अरे क्या कर रही है, क्या हो रही है? अरे क्या, अरे बचाओ, तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। आवाज बंद, जान निकाल लूंगी। फिर बनाएगी तू मुझे? अब करवाऊं तेरे से जूतियां पॉलिश? मेरे पास कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़ा सा जेवर और थोड़े से पैसे हैं बस, और कुछ नहीं घर में रखा हुआ। बकवास करने की जरूरत नहीं है, पूरा एक महीना हमने ना ये मालूमात करने में लगा दिया तेरा मियां करता क्या है। चुपचाप जो कुछ है निकाल दे, हम अपना होमवर्क करके चलते हैं। चलो क्या मालकिन बन के बैठी है, जो कुछ है हमारे वाले घर। तुम इनको काबू रखो, हम घर की तलाशी लेते हैं, चलाओ मेरे साथ। तुम आ चेक कर। बस क्या निकला? यही कुछ है बॉस। मेरे हिसाब से माल कम है यार। बैंक में रखा होगा बॉस, बैंक में। चल चल जल्दी समेट इसको, अगर आजा। सरकारी महकमों में क्लर्क बादशाह होते हैं, यह भी हो सकता है कि गए ज्यादा हूं, शो कम कर रहा हूं। वरना सर सबको शक हो जाएगा कि क्लर्क के पास इतनी रकम आई कहां से। वारदात किस वक्त हुई? सुबह 11:30 का टाइम था। कितने लोग थे? दो औरतें दो आदमी। हो सकता है निगरानी पर कोई भार भी हो। हाँ, ऐसा होता है। माल कितने का गया? देवर और नकदी मिलाकर 10 लाख। 10 लाख? आप लोग भी तो सबको जमा करके घर में ही रख लेते। ठीक है, आप रिपोर्ट दर्ज करवा दें। वैसे आपने हमारे आने से पहले सामान क्यों उठा लिया? बहुत बिखरा हुआ था, पूरा घर उल्टा के चले गए थे। रिपोर्ट दर्ज करवाने से पहले आपको किसी भी चीज को छूना नहीं चाहिए, अब तो फिंगरप्रिंट्स भी जाया हो गए। बहरहाल जो हुआ उसे छोड़ो, जैसे ही कोई गिरफ्तारी अमल में आती है आपको थाने आना पड़ेगा जनाब के। सर कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है कि 10 लाख का माल गया है? क्लर्क तो है सर वो। सरकारी महकमों में क्लर्क बादशाह होते हैं, ये भी हो सकता है कि गए ज्यादा हूं, शो कम कर रहा हूं। वरना सर सबको शक हो जाएगा
कि क्लर्क के पास इतनी रकम आई कहाँ से? Exactly. सर अब क्या करना है? जमाल और मुजाहिद जाकर इनके घर से शवाहिद इकट्ठे करें। लेकिन सर वहाँ होगा क्या? अब भी मिल सकता है कुछ ना कुछ। मुजरिम जल्दी में होते हैं, गलती करते हैं। और सर मैं भी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती हूँ। बिल्कुल ठीक, मैं भी यही चाहता हूँ कि मुजरिम जल्द से जल्द गिरफ्त में आ जाए, वरना सर दोबारा वही वारदातें शुरू हो जाएंगी। वैसे घर तो अच्छा नहीं था लेकिन माल तगड़ा मिला। सरकारी मुलाजिम है वो, बहुत छोटी है तो क्या हुआ, मगर है खांचे वाली जगह पे। दूसरी जगह कौन सी है? वो जरा हट गया है, बैंक का चेयरमैन है वो। फिर कब जाना है वहाँ पे? एक हफ्ता रुक जाओ ताकि सारा मामला ठंडा हो जाए। कराची आई हो तुम, तुम्हें घुमाएंगे फिराएंगे, अगर शहजादी हो हमारी तुम। शहजादी तो मैं हूँ। तेरे लिए तो शहजादा बैठा है ना। ले नादी, अब तू और मैं बचे। मुंह संभाल कर बैठ, ज्यादा फ्री ना हो। मैं क्या कह रही थी, एक महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। अब रुकेंगे भी नहीं, चार इलाके और एक महीने में चार हफ्ते, मतलब सबको 25-25 तो आ ही जाएंगे। पहले पेट पूजा तो करा दो, या बातों से ही पेट भरना है? कहाँ चलना है, हुक्म करो क्या खाओगी, ले चलते हैं तुम्हें भी। चलो फिर चलते किसी अच्छे होटल। हाँ साजिद, क्या पोजीशन है? ऐसा घर ढूंढ के लाया हूँ कि भट्ट साहब दिल खुश हो जाएगा। यानी कि आज फिर तू शबाशी का हकदार है? बंदा काम करे तो ऐसा करे भट्ट साहब दिल खुश हो जाए। चल ठीक है, बता आप जल्दी कर। एक बैंक अफसर का घर है भट्ट साहब। गुड, आगे बोल। सुबह 8 बजे खुद ड्यूटी पे चला जाता है, पीछे घर में कोई भी नहीं होता, बीवी और बच्ची होती है। कोई नौकर वगैरह तो नहीं है घर में? एक नौकरानी है और एक ड्राइवर है। ड्राइवर? भट्ट साहब ड्राइवर घर में कम और बाहर ज्यादा रहता है। यानी कि रास्ता साफ है? ऐसा रास्ता साफ कि आपकी सोच है भट्ट साहब। कितने दिन की तुमने वहाँ की रिसर्च? ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 दिन नहीं बैठा रहा हूँ। बहुत तेरी खैर। तो कब का प्लान करें भट्ट साहब? जब तू बोलेगा बना लेंगे प्लान भी। अरे भट्ट साहब बड़े खुश नजर आ रहे, लगता है साजिद कोई अच्छी खबर लाया है। जब सब कुछ तुझे पता होता है तो फिर पूछता क्यों है तू? अरे अपनी तसल्ली के लिए। अरे महमूद भाई आप भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। अच्छा, अरे तो फिर सुनाओ जल्दी। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं यार, हवा में कहाँ कहाँ तीर चलाएंगे। सर शायद नहीं। बड़ा ही मनहूस आदमी है यार, लगता है तेरी ज़बान ही काली। अब इस चाय में ज़बान काली कहाँ से आ गई? एक तो वो बेचारा चाय का पूछ रहा है और तुम। इसी ने कहा था ना उसने कि आजकल बड़ा सुकून है, सुकून गारत हो गया। तो मैंने जाके डाकुओं को कहा था कि डकैती मारो, अब वैसे एक आध तो डकैती चलती है ना, और इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? ये बात जवाद साहब के सामने जाके कहना, जो कह रहे थे कि एक हफ्ता हो गया प्रोग्रेस नहीं हो रही। चलो अब चाय पिला दो इससे पहले कि जवाद साहब आए, ताकि दिमाग ठिकाने लग जाए। दिमाग तो मेरे जाने के बाद ही ठिकाने पे आएगा, जब आप दोनों को अकेला छोड़ूंगा, वो भी साबुत। हे बेना मानता नहीं। क्या बात है, मालकिन को बुलाओ। क्यों, क्या काम है? पड़ोसी हैं, मिठाई देने आए हैं। ना मुझे दे। तुम्हें बोला ना जाके मालकिन को बुलाओ, हमें काम भी है, उनसे मिलना है। जी अच्छा।
बेगम साहिबा को तीन औरतें आई हैं आपसे मिलने। तीन औरतें कौन हैं? पता नहीं, कह रही हैं कि पड़ोस से आए हैं और मिठाई हाथ में है, आपसे मिलना चाह रही हैं। अच्छा, मैं देखती हूँ। आप क्यों तकलीफ करती हैं? हम खुद ही अंदर आ गए। कौन है आप लोग? आपकी मासी दरवाजा खुला छोड़ आई थी तो हम अंदर आ गए। भाई हम आपको ये देखें मिठाई खिलाने आए हैं। मिठाई? कौन है आप लोग? मेहमान हैं तुम्हारे, बैठने के लिए नहीं कहोगी हमें? कौन है आप लोग, क्या चाहते हैं? चले जाएंगे मगर खाली हाथ नहीं जाएंगे तुम्हारे घर से हम। देखिए आप लोग अच्छा नहीं कर रहे। खामोश, हम यहाँ तुम्हारा वास सुनने नहीं आए। देखो ना तो हम जान लेते हैं और ना ही इज्जत खराब करते हैं। हाँ तुम मजबूर नहीं करोगी तो आराम से चले जाएंगे, वरना तुम समझदार हो। हमें माल चाहिए, माल। बोल क्या चाहती है, वरना इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है जो कुछ है मैं देती हूँ आप लोगों को, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाएं। कुछ नहीं, सारा कुछ। ठीक है, जितनी जल्दी फारिग करोगी उतनी जल्दी हम चले जाएंगे। चलो यहीं पर। एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है और अभी तक हम वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन। सर इतना बड़ा शहर है, हजारों मुजरिम हैं। खैर ये कोई जवाब नहीं। गश्त की क्या पोजीशन है? सर गश्त मामूल से बढ़ा दिया, मुखबरों को अलर्ट कर दिया है। एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है और अभी तक हम वहीं खड़े हैं जहां पहले दिन। सर इतना बड़ा शहर है, हजारों मुजरिम हैं। खैर ये कोई जवाब नहीं। गश्त की क्या पोजीशन है? सर गश्त मामूल से बढ़ा दिया, मुखबरों को अलर्ट कर दिया है। मेरा ख्याल है कि अब किसी ने वारदात की कोशिश की तो वो सलाखों के पीछे होगा। जवाब से बात करो। एसपी साहब की कॉल। अस्सलाम वालेकुम सर। लगता है तुम्हारी तारीफ करना भारी पड़ गया। सॉरी सर, मैं कुछ समझा नहीं। जुनेद फारूकी साहब के यहाँ डकैती हो गई है और काफी माल चला गया है। तुम्हें पता है जुनेद फारूकी कौन है? नो सर। वो बैंक के चेयरमैन है। ओ माय गॉड। मेरी उनसे भी बात हुई है, खुद उनका फोन आया था, फौरन उनके पास पहुंचो। जी सर, हम अभी पहुंचते हैं। जिसका डर था वही हुआ। सर क्या हुआ? एक और वारदात, हमें अभी निकलना है, फौरन, इमीडिएटली। जमाल गाड़ी निकालो। छह लोग घर में दाखिल कैसे हुए? बस ये हमारी मासी की बेवकूफ़ी और लापरवाही है, दरवाज़ा खुला छोड़ा है। मासी कब से आपके? पुरानी है, इससे पहले इसकी माँ होती थी, काबिले भरोसा है। इस वक्त है मासी? जी मैं बुलवाती हूँ। सुग्रा, सुग्रा।
फरा, फिंगरप्रिंट्स के लिए यासिर को फोन करो। राइट सर। फारूकी साहब, मैंने देखा है कि आपके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, काफी इससे आपको मदद मिलेगी। मुझे यकीन है कि इससे काफी अच्छी मालूमात हासिल हो जाएंगी। आप इसकी रिकॉर्डिंग हमें दे दीजिएगा। जरूर जरूर। फरा, तुम मासी को देखो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, वो लोग इतने वेल ड्रेस और ऐसे हुलिये में थे कि अगर मैं खुद भी दरवाजे पर होती तो शायद कंफ्यूज हो जाती। मिसेस फारूकी, मेरा ख्याल है कि आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। जी जी हाँ, घर में लाने की तो कोई वजह ही नहीं थी। ठीक है फारूकी साहब, इंशाल्लाह मुलजमान बच नहीं सकेंगे, हमें वक्तन फवक्तन आपके तावन की जरूरत रहेगी। देखिए, जरूरत हुई तो आपकी मासी को भी थाने बुलाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर ऐसे वाकयात में घर का कोई फर्दी मुलविस हो सकता है। जी जी बिल्कुल, हमें कोई इतराज नहीं। कुछ प्रोग्रेस हुई? हाँ, प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी है, चेहरे वाजे हैं। सुबह से लगे हो, कुछ रिफ्रेशमेंट ही कर लो। बकवास बंद करो और चलते बनो, जवाब साहब किसी वक्त भी बुला लेंगे, अपना काम करके आ जाओ। जाहिर है सुबह से सो तो नहीं रहा था। क्या पता। लो आ गए जवाब साहब। जी सर, जी सर, काफी कुछ हो गया, आकर बताती हूँ। राइट सर। यार कभी कभी तो ये जवाब साहब भी मुझे रखी लगने लगते हैं। चलो ना अंदर, जरा ये सब बताती हूँ मैं सर को। चलो आइए। जमाल, तुम्हारे पास क्या रिपोर्ट है? सर, पिछले 6 महीने में डकैती के जितने भी केस आए थे उन सबको तकरीबन चेक कर लिया। क्या मालूम हुआ? सर, चंद के अलावा एक बात मुश्तरक है, हर वारदात में 3-4 खवातीन जरूर इन्वॉल्व होती हैं। फरा फ्रेम चेक किया तुमने? जी सर, ट्रेस आउट हो चुके हैं लोग। वेरी गुड। कौन लोग? सर आपको याद होगा 2 साल कबल हमने एक ग्रोह को गिरफ्तार किया था, जिसका सरगना फारूक भट्ट नामी पुलिसमैन था। वो जिसके साथ 3-4 खवातीन गिरफ्तार हुई? सर सर, सीसीटीवी फुटेज में फारूक समेत 4 लोग वही हैं और बाकी कुछ नए लोग हैं। मुझे याद है कि ये एक बैनुस सूबाई ग्रोह था जिसमें दूसरे शहरों की खवातीन और मर्द शामिल थे। अच्छा, तो ये वही ग्रोह है, ये दोबारा से एक्टिव हो गया। सर हैरत है कि ये रहा कैसे हो गए, इनके खिलाफ तो हमने बहुत ठोस सबूत मुहैया किए थे। यही तो बदकिस्मती है, हमारे यहाँ यही होता है। सर अब क्या करना है, इन्हें कैसे ट्रेस करें? जमाल, तुम उनके पुराने ठिकानों की मालूमात हासिल करके पता लगाने की कोशिश करो। लेकिन सर ये लोग तो ठिकाने बदलते रहते हैं। मुझे मालूम है, फिर भी चेक करो, कभी कभी भटक कर पुराने घोंसलों में भी वापस आ जाते हैं। फरा, इन सब की तस्वीर के प्रिंट निकालो और तमाम बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स को मुहैया करो, और इन जगहों की निगरानी भी करो। अंडरस्टैंड? अब जवाब साहब को क्या हुआ? खुद तो ऑफिस में बैठे रहते हैं और हमको दर बदर होना पड़ता है। अच्छा, यही बात चल के ना जरा जवाब साहब के सामने कह देना। जमाल साहब, आप तो हमेशा मेरी नौकरी के पीछे पड़े रहना। We'll be right back.
क्या हो रहा है मुझे? चल चल के जमाल साहब टांगे दुख गई। यानी हलाल हो रही है ना? हाँ जी बिल्कुल। पर जमाल साहब एक बात तो बताएं। हाँ पूछो। इन मुलजिमान ने क्या सुलेमानी टोपी पहनी हुई है जो नजर नहीं आ रहे? यार भाग कर जाएंगे कहाँ? जाएं कहीं भी जाएं, पर हमें तो ना थकाएं। क्या हो गया? और एक तो ऊपर से जवाब साहब। अब जवाब साहब को क्या हुआ? खुद तो ऑफिस में बैठे रहते हैं और हमको दरबदर होना पड़ता है। अच्छा यही बात चल के ना जरा जवाब साहब के सामने कह देना। जमाल साहब आप तो हमेशा मेरी नौकरी के पीछे पड़े रहना। तो क्या करूं? जो आप करते हैं बस वही करें। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वही जो करते आए हैं फरा मैडम का पीछा। मुजाहिद इंसान बनो इंसान। वैसे एक बात बताएं सर। हाँ पूछो। लेकिन तमीज के दायरे में रहते हुए, समझे? फरा मैडम वाली बात आप आगे क्यों नहीं बढ़ाते? तुम नहीं सुधरोगे भाई। दिल जले वाह साहब वाह, दिल जले हैं आप तो। महीना गुजर गया पता भी नहीं चला। टाइम तो बेकार आदमी का नहीं गुजरता। हम तो काम में लगे हुए थे, हमें क्या पता लगता। भाई इस दफा तो बहुत अच्छा सीजन लग गया आप लोगों का। क्यों? सारा माल हमें दे दिया जो सिर्फ हमारा सीजन लग गया। तुझे मैंने 10 दफा समझाया कि पठानी को ना छेड़ा कर। ए, पठानी को सिर्फ भट साहब छेड़ सकते हैं और कोई नहीं। लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर। टिकट आ गए? जहाज के टिकट का क्या मसला है? एक फोन करो और यूं टिकट आ जाते। दोबारा टूर कब होगा? हो जाएगा। अभी तुम लोग जाओ और ईद मनाओ। जब तक यहाँ की भी सारी गर्दों को बार बैठ जाएगी और अगला टूर भी लगवा दूंगा, ठीक है ना? कोई खबर? सर अब तक तो कोई नहीं, किसी जगह से कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली। बहुत शातिर लोगों का गिरोह है। 2 दिन से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी डकैती की वारदातें रिपोर्ट हुई। इसका मतलब है सर गिरोह पूरी तरह से सरगर्म है। बस एक बार निशानदेही हो जाए। हेलो, यस इंस्पेक्टर जवाद स्पीकिंग। जी जी बताइए। ठीक है आप एक काम करें, आप उन्हें रोकें, मैं अभी पहुंचता हूं। सर कोई अच्छी खबर? हाँ, एयरपोर्ट सिक्योरिटी से फोन था, उन्होंने तस्वीरों की मदद से 3 खवातीन को हिरासत में लिया। हमें अभी निकलना है। जमाल गाड़ी निकालो। हाँ महमूद, छोड़ा है उनको एयरपोर्ट पे सबको? हाँ भट साहब, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल करवा के ही वापस आया हूँ। भट साहब हमारे होते हुए टेंशन ना लिया करें। टेंशन? जिम्मेवारी के काम में टेंशन लेनी पड़ती है जानी। अरे ये बताएं भट साहब हमारा हिस्सा कितना बना है? तुझे बड़ी जल्दी है तो पैसे की यार, मिल जाएगा हिस्सा। जल्दी तो मुझे भी है ताकि मैं भी कहीं पे 1 महीना ऐश कर लूं। और यही मसला मेरा है। और बात सुनो दोनों, जो भी काम करना जरा समझदारी से करना और लोगों की नजरों से जरा ओझल रह के। अरे भट साहब इससे पहले कभी गलती हुई है? बेफिक्र रहें भट साहब बेफिक्र। और हाँ जितने भी और लोग हैं अपने सबको समझा जाते। अरे उनको तो हवा भी नहीं लगने देते कि हम कहाँ उठते हैं और कहाँ बैठते हैं। मैं जो 2 बंदे लाता हूँ ना उनको तो मैं यही बताता हूँ कि सिर्फ मैं ही हूँ। तुम दोनों मेरे साथ रह के ना समझदार हो गए हो। अरे पठानी को कॉल करके तुम मालूम कर ले। मेरे ख्याल में दोनों वो लोग जहाज में बैठ गए जिसकी वजह से मोबाइल ऑफ जा रहा हूँ। अब इंतजार करो भट साहब पठानी की वापसी का। जो तू समझ रहे ना ऐसा कुछ नहीं है। भट साहब की नज़र में सिर्फ पैसा सब कुछ है, समझ गया ना? सिर्फ पैसा। इसकी मजाक की आदत जाएगी नहीं भट साहब। करने दे अभी बच्चा है इस काम में ये। वैसे आज का क्या प्लान है भट साहब? आज का कोई खास नहीं है यार, बस 2 दिन आराम करूँगा फिर उसके बाद नादरन एरिया निकल जाऊँगा।
हाँ, जवाब से बात कर रहा हूँ। एसपी साहब। सर। वेल डन जवाब, वेल डन। थैंक यू सर। क्या सब मुलजिम पकड़े गए? सर, मुकम्मल ग्रोह 15 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें से 6 अरकान गिरफ्तार हुए हैं। सरगना समेत। सब एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुए? नो सर, 3 खवातीन थी जो कि दूसरे बड़े शहर से आई थी और अपना काम खत्म करके बायर वापस जा रहे थे। अच्छा, तो इनकी पॉइंटेशन पर दूसरे मुलजिमान भी गिरफ्तार हुए क्या? सर, इनकी गिरफ्तारी को खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की, जिसकी वजह से मुलजमान को फरार होने का मौका नहीं मिल सका। क्या बरामद हुआ? सर, 35 लाख नकद और असलाह मिला। गुड, DIG साहब मुबारकबाद दे रहे थे। थैंक यू सर। हम पहले विजिट करेंगे, फिर मीडिया के जरिए हाईलाइट करेंगे इस न्यूज को। ठीक है, पूरी टीम को बता दो। मैंने तारीफी असनाद के साथ कैश रिवॉर्ड की भी सिफारिश की। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम खोजी। लाहौर पुलिस को तलाश थी एक ऐसे गिरोह की जिसने 2 माह के अरसे में 6 वारदातें करके घरों का सफाया कर दिया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और मुखबर नेटवर्क को भी मुतहर्रिक कर दिया, मगर कहीं से कोई भी इत्तला नहीं मिली, जिसकी बुनियाद पर पुलिस केस को आगे बढ़ा दी। 6 जुलाई 2015 को गुलबर्ग के एक घर में डकैती करके वहां से 8 लाख नकदी और 30 लाख का जेवर लूटा गया। पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की और घर में मौजूद CCTV फुटेज तहवील में। CCTV फुटेज में 2 मुलजमान को, फारूक भट्ट साबका पुलिस कांस्टेबल और नादिया अख्तर नामी औरत को शनाख्त किया गया। पुलिस ने डिफेंस के इलाके में छापा मारकर गैंग के सरगना फारूक भट्ट को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया और उसी की निशानदेही पर मुलजिमा नादिया अख्तर को 4 साथी औरतों के साथ लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश बताया कि मुलजिमा नादिया अख्तर 4 साथियों समेत कराची से बजरिया जहाज लाहौर आती थी और डकैती के बाद बजरिया जहाज ही वापस चली जाती थी। पुलिस ने चालान बनाकर अदालत में पेश किया।